Students, we are continuing our chapter 1, that is about networking. So our next topic is Windows in network environment. So in chapter 1 we have studied about networking, what is computer network, and in the last lecture we would understand what is computer network. The computer network consists of two or more computer डेटा लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब लिंक होते हैं और शेयर करते हैं रिसोर्सेस को तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। रिसोर्सेस शेयरिंग में फाइल्स हैं, प्रिंटर है ना, फाइल मैनेजमेंट के एडवांटेजेस थे इसमें, फिर इसके सिक्योरिटीज के एडवांटेजेस थे, इंटरनेट शेयरिंग के एडवांटेजेस थे। देन हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़ा है। देन वेरियस नेटवर्क आर्किटेक्चर्स पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर, देन वायरलेस लैन। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंडोज़ इन नेटवर्क एनवायरमेंट। तो इस जो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि हम हमारे सिस्टम में नेटवर्क में कैसे लॉक करते हैं, कैसे ऑन करते हैं हमारा नेटवर्क एरिया। तो दीज डेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल फाइंड कंप्यूटर्स, सभी जगह हमें कंप्यूटर्स दिखते हैं इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। नेटवर्क एनवायरनमेंट मीन्स मतलब सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यू मस्ट ऑल्सो लर्न द मॉडलिटीज ऑफ वर्किंग इन अ नेटवर्क। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब हमारा टॉपिक है लॉगिंग ऑन टू द नेटवर्क। कैसे आप नेटवर्क में लॉग ऑन करेंगे? लॉगिंग मतलब आप लोग समझते ही हैं, लॉगिंग मतलब हम इन कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं हमारे नेटवर्क में। तो हाउ वी कैन एंटर इन अवर नेटवर्क? तो टू एक्सेस ड्राइव्स एंड फोल्डर्स ऑन अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में आप जो है क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट टू एक्सेस ड्राइव्स एंड फोल्डर्स ऑन अदर कंप्यूटर, मतलब ड्राइव और फोल्डर जो अदर कंप्यूटर्स में हैं उनको आप एक्सेस करना चाहते हैं। ड्राइव्स तो आप समझते हैं, कंप्यूटर में जो है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव हम लोगों ने देखी है। फोल्डर्स, फोल्डर्स भी आप लोग समझते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के जो हैं वो ड्राइव्स और फोल्डर्स को एक्सेस तो करते ही हैं, पर अगर हमारे पास नेट, हमारा जो सिस्टम है अगर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हम दूसरे कंप्यूटर में जो है ड्राइव्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वी कैन ऑल्सो डू दिस एंड गेन एक्सेस टू प्रिंटर्स। प्रिंटर्स फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में प्रिंटर अटैच नहीं है पर दूसरा सिस्टम है उसी बिल्डिंग में और वहाँ पे जो है वो प्रिंटर है उस कंप्यूटर से अटैच है, तो अगर आपका सिस्टम जो है वो नेटवर्क एरिया में, नेटवर्क में है, मतलब आपका सिस्टम अगर उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, तो आप उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे। तो यू मस्ट, तो आपको ऑब्वियसली क्या करना है, यू मस्ट कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द नेटवर्क इज कॉल्ड लॉगिंग ऑन। तो ये जो प्रोसेस है नेटवर्क से कनेक्ट होने की, इसको क्या बोला जाता है, लॉगिंग ऑन, है ना। तो पर्पस जो है लॉगिंग ऑन इज टू लेट द नेटवर्क नो हु आर यू। पर्पस क्या होता है लॉगिंग करने का, कि आप कौन है ये पता चले। तो लॉगिंग ऑन कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स। जब आपको नेटवर्क में जो है लॉग करना है, लॉगिंग ऑन करना है, तो इसमें दो स्टेप्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन की है। आइडेंटिफिकेशन से आप लोग समझते हैं हमारा जो है वो, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के जो है वो आइडेंटिफिकेशन होते हैं। इसी तरीके से जो है वो कंप्यूटर में जब आप एंटर कर रहे हैं तो उसके भी आई कार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोसेस। उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जो है यूज़र आईडी लगता है। यूज़र आईडी आपका जो है वो यूज़र नेम हो सकता है, जो आपने यूज़र नेम नेटवर्क में जो है वो आपने बनाया होगा,
जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं तो आपका एक यूज़र नेम होता है, फॉर एग्जांपल आप ईमेल आईडी भी अपना यूज़र नेम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी नेटवर्क में जब आपको नेटवर्क आपको यूज़ करना है तो आपका एक यूज़र नेम होना चाहिए, तो आपको एंटर करना पड़ेगा यूज़र नेम एंड नेम बाय विच द नेटवर्क नोस, मतलब वो नाम जिससे नेटवर्क आपको जानता है ना, दिस इज़ द यूज़र आईडी। एवरी वन हु यूजेज द नेटवर्क मस्ट हैव ए यूज़र आईडी। ऑब्वियसली जो भी नेटवर्क को यूज़ करेगा उसके पास एक यूज़र आईडी होना कंपलसरी है। ओके एक मिनट, ये नेट मैं बंद कर दूँ तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आफ्टर यूज़र नेम यू मस्ट है एंटर ए पासवर्ड। जब आप यूज़र नेम एंटर करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, है ना। यही प्रोसेस होती है, आप जैसे कोई ईमेल आईडी आप बनाते हैं अगर आप, तो उसमें आपको एक ईमेल आईडी आपका जो सेल्फ आपका ईमेल आईडी होता है वो आपको इंसर्ट करना रहता है, देन उसके बाद आपको पासवर्ड इंसर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको यूज़र आईडी के बाद में आपको एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है, व्हाट इज़ पासवर्ड, पासवर्ड इज़ ए ऑब्वियसली ए सीक्रेट वर्ड, है ना, दैट ओनली यू एंड योर नेटवर्क नोज। तो पासवर्ड क्या है, ये सीक्रेट वर्ड है जिसको आप या आपका नेटवर्क जानता है ना। पासवर्ड आप लोग समझते ही हैं, आप लोग अगर सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, फेसबुक है या कोई, आप लोग एटीएम के बारे में सुना होगा, आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं एटीएम, तो उसमें एक आपका पासवर्ड होता है, पिन बोला जाता है उसको। उसी तरीके से नेटवर्क के लिए भी एक पासवर्ड सेट किया जाता है, तो वो पासवर्ड जो है आप जानते होंगे और आपका नेटवर्क जानता होगा, है ना। फैक्ट फाइल यहाँ पे गिवन है, डिफरेंट यूज़र कैन एंटर देयर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम सेम कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर से जो है डिफरेंट यूज़र जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं। एवरी लॉग्ड इन यूज़र, जो भी जो है वो यूज़र होगा, विल बी एक्सेस टू ओनली दोज फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर विच द यूज़र हैज़ बीन ऑथोराइज्ड। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी यूज़र उसमें लॉगिन करेगा तो उनको एक्सेस जो है उसी उन्हीं फाइल्स का दिया जाएगा, फाइल और फोल्डर का, जो जिसके लिए वो ऑथोराइज है। देखिए यहाँ पे ये ऑथोराइजेशन भी किया जाता है, मतलब जो आप जिसके लिए आप ऑथोराइज होंगे, जैसे आपके लिए प्रिंटर जो है ऑथोराइज है तो आप प्रिंटर ही यूज़ कर पाएंगे, अगर आपके लिए स्कैनर जो है वो ऑथोराइज नहीं है, मतलब आपको अलाउ नहीं किया गया नेटवर्क में, तो आप स्कैनर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉगिंग इन। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्रोसेस लॉगिंग इन, मतलब आप लॉगिंग कैसे करेंगे, तो इसकी सिंपल है, टू स्टेप्स हैं लॉगिंग करने की। आपको फर्स्ट जो है यूज़र आईडी एंटर करना पड़ेगा, देन आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तो आप अपने जो है वो नेटवर्क में जो है लॉगिंग कर सकते हैं। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लॉगिंग ऑफ। जब आप लॉगिंग कर चुके हैं, अगर अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया है तो आप लॉगिंग ऑफ करेंगे। तो लॉगिंग ऑफ क्या करेगा, ऑब्वियसली विल इट विल डिसकनेक्ट यू फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से आपको डिसकनेक्ट कर देगा, मतलब आप नेटवर्क में जो है वो जो है आप कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब आप डिसकनेक्ट हो जाएंगे। एंड द नेटवर्क रिसोर्सेज, और नेटवर्क रिसोर्सेज से भी डिसकनेक्ट हो जाएंगे। जब आप लॉग ऑफ कर लेंगे, मतलब आपके पास जो प्रिंटर है, डिस्क है, अदर कंप्यूटर्स की, वो अब अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो लॉगिंग ऑफ मतलब हम नेटवर्क से बाहर आ रहे हैं, जब नेटवर्क के बाहर आएंगे तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड डिसकनेक्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते ही हैं, अब व्हाट्सअप जब आपने जैसे ऑफ कर दिया है अपना नेट, तो आप जो है उस टाइम पे आप जो नेटवर्क में जो अदर यूज़र्स हैं आपको उनको उनके लिए आप अवेलेबल नहीं होंगे, और ना ही जो रिसोर्सेज या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो उस समय आप नहीं देख पाएंगे, है ना। हाँ, नेटवर्क ऑफ किया उसके पहले अगर कुछ मैसेज आ गए हैं तो वो बिल्कुल आप देख पाएंगे। तो इट इज़ वाइज टू लॉग ऑफ, है ना। पर अब आप ये सोचेंगे कि हम नेटवर्क के जब हम यूज़ इतने रिसोर्सेज जब हमारे लिए अवेलेबल हैं तो हम लॉग ऑफ क्यों करें, है ना। लॉग ऑफ करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पर इट इज़ वाइज टू लॉग ऑफ, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि आप लॉग ऑफ करें,
व्हेन यू हैव टू लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम। लॉग ऑफ करें जब भी आप अपना सिस्टम जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए भी, शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर आप लीव कर रहे हो, अपने सिस्टम को छोड़ रहे हैं, उस प्लेस पे नहीं है, तो आप लॉग ऑफ करें, ये बोला जाता है, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो दिस वे नो बडी विल बी एबल टू मिस यूज़ द नेटवर्क। देखिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप लॉग ऑफ करके जो है अपने सिस्टम को आप छोड़ेंगे, है ना, अगर बिफोर लिविंग, है ना, इफ़ यू डिसकनेक्ट और लॉग ऑफ फ्रॉम द कंप्यूटर और नेटवर्क, देन नो बडी विल बी एबल टू मिस यूज़ द नेटवर्क। तो कोई भी जो है नेटवर्क का मिस यूज़ नहीं करेगा रिसोर्स बाई यूजिंग योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी का यूज़ करके कोई अदर पर्सन जो है नेटवर्क का यूज़ नहीं कर सकता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेट जो है बोला जाता है कि नेट जब हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, मोबाइल में भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो जब हम नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हमारा अदर वर्क कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको नेट जो है वो बंद कर देना चाहिए, इससे फ्रॉड्स जो है, हैकिंग वगैरह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप तो नेटवर्क में हैं, अगर कनेक्टेड है, इंटरनेट आपका चालू है ना, इफ़ इंटरनेट इज़ ऑन, तो आप अवेलेबल है सभी के लिए, है ना। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू लॉग ऑफ और स्विच ऑफ, है ना, और टर्न ऑफ योर नेटवर्क इंटरनेट। सो हाउ टू लॉग ऑफ, अब क्वेश्चन ये आएगा कि लॉग ऑफ कैसे करें, तो यहाँ हमको स्टेप्स दी हुई हैं। यू कैन लॉग ऑफ बाय यूजिंग लॉग ऑफ ऑप्शन, लॉग ऑफ ऑप्शन आता है इसमें अवेलेबल, स्टार्ट बटन में क्लिक आपको करना है, स्टार्ट बटन पे नेक्स्ट क्लिक ऑन द शट डाउन एरो हेड। देखिए शट डाउन तो आप लोगों ने सिस्टम में किया हुआ है, लॉग ऑफ आप लोगों ने नहीं किया आई थिंक, तो लॉग ऑफ जो है वो उसकी स्टेप्स बहुत ईजी है। क्लिक करेंगे आप स्टार्ट बटन, सेकंड क्लिक करेंगे आप शट डाउन एरो हेड, शट डाउन एरो हेड देखिए यहाँ पे दिख रहा हुआ है, शट डाउन एरो हेड पे करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, अब शट डाउन के ऑप्शंस आ जाएंगे, देन आपको क्लिक करना है लॉग ऑफ ऑप्शन पे। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप लॉग ऑफ हो जाएंगे नेटवर्क से। तो दिस आर द स्टेप्स बाय विच यू लॉग ऑफ फ्रॉम द नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस फाइल्स ऑन कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे हम एक्सेस करेंगे फाइल्स। अभी हमने देखा था लॉग ऑन जब हम रहते हैं तो दूसरे सिस्टम्स पे जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे, हाउ वी कैन एक्सेस द फाइल्स ऑन अदर कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में होना इम्पोर्टेंट है। If your computer is connected to a network, you can see all the computer and devices that are currently part of the network in network folder. देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपका computer connected है network में, तो आप देख सकते हैं computer में जितने भी computers हैं उनको देख पाएंगे, devices जो हैं जो currently network में है, नेटवर्क फोल्डर में आप जाके उनको देख सकते हैं। नेटवर्क फोल्डर जो है आपको कहाँ मिलेगा अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये यूज़फुल है अगर आप, इफ़ यू वांट टू यूज़ द नेटवर्क रिसोर्स, यूज़फुल कब होगा, ऑब्वियसली जब आप नेटवर्क के रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे प्रिंटर है, ओके, फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं, या अनदर कंप्यूटर पर जो फाइल्स हैं उनको ओपन करना चाहते हैं, तब ये प्रोसेस आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स डू इट, यहाँ पे हमें प्रोसेस गिवन है। तो टू एक्सेस करना है अगर आपको फाइल्स ऑन अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क यूजिंग विंडोज 7, यहाँ पे गिवन है प्रोसेस। तो देखिए ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, तो आप जो है वो माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइव्स आपको दिख जाती हैं, फिर सी ड्राइव, डी ड्राइव। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको एक कंप्यूटर करके नेटवर्क फोल्डर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको नेटवर्क में, मतलब आपके नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं वो सब कंप्यूटर्स आपको गिवन दिख जाएंगे।
अब फाइल्स किसी कंप्यूटर पे आपको एक्सेस करना है तो किसी फाइल उसकी स्टेप्स हमको यहाँ गिवन है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस गिवन है, डबल क्लिक करना है आपको कंप्यूटर आइकन पे। कंप्यूटर आइकॉन्स ही बने होते हैं ऑब्वियसली, नेटवर्क में यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, बुक्स में देख सकते हैं इजीली दिख जाएंगे आपको, है ना। तो आपको डबल क्लिक करना है जिस जो भी कंप्यूटर आइकॉन, मतलब आपको जिसके फाइल और फोल्डर आपको एक्सेस करना है उस कंप्यूटर आइकॉन पे आपको डबल क्लिक करना है ना। देन ऑन द लेफ्ट साइड इन द नेविगेशन पेन डबल क्लिक ऑन द नेटवर्क। लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन होता है, उसमें आपको डबल क्लिक करना है नेटवर्क में। देन नेटवर्क फोल्डर ओपन, तो नेटवर्क फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा, शोइंग यू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स, तो शो करेगा आपको सारे कनेक्टेड कंप्यूटर जैसे मैं बता रहा था आपको। डबल क्लिक करना है फिर आपको कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे आप डबल क्लिक करेंगे जिस भी कंप्यूटर की फाइल्स आपको एक्सेस करना है सॉरी, डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यू विल सी द शेयर्ड ड्राइव्स ऑफ दैट कंप्यूटर। जब जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर और आगे अपने जिसकी आपको फाइल एक्सेस करना है, तो आपको क्या दिख जाएंगी, शेयर ड्राइव्स आपको दिख जाएगी कंप्यूटर की। शेयर ड्राइव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड है वो कौन कौन सी फाइल जो है वो शेयर करना चाहता है, या उसने शेयरिंग के लिए किसको परमिशन दी है, वो ड्राइव जो है आपको गिवन जो है, आप डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर आइकन पे तो वो फाइल्स आपको जो है शो हो जाएंगी। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है ड्राइव, जो ड्राइव आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे फाइल आपकी जो है, जिनको जो फाइल आपको एक्सेस करना है। उसके बाद में आपको ऑब्वियसली जैसे अपना आपको विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप जो है अपना जब आप सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको जो भी फाइल अगर आप फोल्डर एक्सेस करना होता है तो जो प्रोसेस होती है वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। आपको वो फाइल पर रीच करना है जो फाइल आपको आप एक्सेस करना चाहते हैं, दो डेट फाइल विच यू वांट टू एक्सेस, यू हैव टू रीच डेट लोकेशन एंड देन डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन। तो उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है उसको ओपन करने के लिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस है पूरी नेटवर्किंग में कि कैसे जो है हाउ वी कैन एक्सेस फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे जो है देखा जाए तो ये अब हमारा चैप्टर वन जो है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई है आप लोगों को, ये आप जो है वो एक्स आप परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर नेटवर्किंग में हो तो अदरवाइज़ ये प्रोसेस आपको जो है हम लोग कंप्यूटर लैब में परफॉर्म करेंगे जब आप लोग स्कूल जो है वो ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट, ये का फर्स्ट चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो गया है अबाउट नेटवर्किंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।